देखते रहिए UBN 0@तराना से अर्पित गोड़ाना की रिपोर्ट। फिर लगे शिवराज मुर्दाबाद के नारे, सूबे के तेज तर्रार CM की मेहनत पर पानी फेरने में शासन के चंद नुमाइंदे ही भरपूर प्रयास में हैं। एक ओर किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर तराना मंडी में किसानों को परेशान करने का साधन बना दिया है मामला तराना के कृषि उपज मंडी का, जहां किसान को फसल तुलाई का नंबर आने के बाद भी नहीं तोलने की बात को लेकर सचिव व किसान के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना गहरा हो गया कि सचिव ने किसान को थप्पड़ मार दिया। आक्रोशित किसानों ने थाने का घेराव कर SDM कार्यालय पहुंचे। हम कैसे वोट हुआ सर, आप कहाँ जाओ, आज कैसे हो, मेरे मरमालियाँ पड़ा और ये बारात नहीं जा सके। और किराए की गाड़ी करके आया किराए की, और ये दो तारीख की पर्ची इनकी है। 8,000 रुपए मैंने उसका गाड़ी का दिया है, 8,000 रुपए की 8,000 भाड़ा हो गया था उसका। कितने दिन से आप यहाँ पे, शर्म करो, कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 4 तारीख 5 तारीख हो गई मेरे को। अभी तक क्या मामला है आपका? अरे सर, वो चने का मामला जी। तो रात को हमारे गांव वाले थे, तो उनके साथ वो उनका चने तोलने के लिए गए, तो हमारे दोनों की इतनी पर्ची थी तो उनके चने तो तुल गए जी। और मेरे चने तोलने के बाद में वो 1,000 रुपये मांगा, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं तोलेगा, सेकट नहीं तोला। पैसे की डिमांड आपसे किसने करी? पैसे की डिमांड किसने करी आपसे? सेक्रेटरी ने वो तुला, वो हिमाल ने। तो आपके साथ मारपीट किसने करी है? वो तो सेक्रेटरी का नाम याद नहीं है। उन्होंने आपके साथ सर, आप जिला पंचायत के संबंधित अध्यक्ष हैं और इस तरीके के मामले हो रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक इस बात को देख नहीं रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय विधायक तो यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बड़ों के कॉन्ट्रेक्टर से मिले हुए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार से मिले हुए हैं, उनको किसान आप देख रहे हो हजारों की संख्या में किसान मंडी में 3 दिन से 4 दिन से चने की ट्राली के लिए परेशान है। और 1 तारीख से, और हमने अभी संभाग आयुक्त ओझा जी से बात की, SDM से, रात को ये भाई का फोन आया कि खाने की व्यवस्था नहीं, तो मैंने कैंटीन चालू करवाया। उसके बाद किसानों को सरेआम यहाँ के व्यापारी सरकारी अधिकारी कर्मचारी मार रहे हैं, तो ये किसानों के साथ धोखा है। किसान 4-4 दिन से एक एक किसान बेचारा व्यापार मंडी में, ये किसी की बेटी की शादी है, किसी को कहीं जाना है, ये बेचारा 4-4 5-5 दिन से भूखे प्यासे चने लेकर यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय विधायक जीतने के बाद कभी देखता नहीं है, यहाँ का सांसद कभी आया नहीं, और प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी शासन के आदेशों का काम कर रहे हैं और शासन के इशारों पर काम कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ पे भैया, आप मंडी में जाके देख लीजिए, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है। कुछ चुनिंदा लोगों से ऊपर पैसे लेकर किसानों को बेचारों को मजबूर, जो 4-4 दिन से आकर उनको रिश्वत के रूप में किससे 2,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, 3,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, 1,000 रुपए मांग कर उनकी ट्राली तोली जा रही है, तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है, बड़ी शर्मनाक स्थिति। आप तो इन लोगों से पूछो, इन लोगों से पूछो, चने फ्रेश है। फिर किसान तो मंडी का कार्यक्रम चलता है, तो किसानों की तहसील, किसान अपनी बात कह रहे हैं, कांटे उनके बढ़ा दिए हैं, सारी व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं, गर्मी में छोटी मोटी परेशानी होती है, दूर हो जाए। सर, एक किसान ने आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट हुई है और उसने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है, विधि विधान की कार्रवाई की।